देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि पूरे देश में डर का माहौल था। पूरे देश में इस तरह का एक माहौल बीजेपी के द्वारा बनाया गया था कि वो जो चाहेंगे वही देश में चलेगा, वो जो चाहेंगे हर इंस्टीट्यूशन वही करेगा उनके हिसाब से। लेकिन अब देश में बीजेपी का राज नहीं चलेगा, देश में कानून का राज चलेगा, कानून का व्यवस्था चलेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में जिस कन्विक्शन को स्टे किया गया है, ये साफ साफ दिखाता है कि कॉन्स्पिरेसी किया गया था षड्यंत्र करके और राहुल गांधी को आउट करने के लिए, ताकि वो देश में मतलब प्रधानमंत्री के रूप में वो आ ना जाए उनसे डर के, क्योंकि वो बेबाकी से मोदी जी के खिलाफ लगातार अपनी बात को और जनहित के मुद्दे पे एकदम मुखर रहते थे। चाहे किसानों का बात करिए या किसी भी ऐसे तबके के लोग, महिलाओं का या कोई भी ऐसे इश्यूज पे, अभी रिसेंटली मणिपुर इशू में भी आप देखें कि पहले उनका एक मैसेज था कि मणिपुर पे ध्यान देना चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्री को, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कोविड में भी पहले माननीय राहुल गांधी जी पहले सचेत किए थे, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। तो जितने मतलब जितना देश से हम लोगों को प्यार है, हम लोग वी लव इंडिया, वी आर इंडिया एंड इंडिया विल कम बैक ऑन 24। जय हिंद। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अगर अदालत से फैसला कांग्रेस के पक्ष में आता है तो अदालत निष्पक्ष हो जाता है, जब विपक्ष में आता है तो अदालत पे आवाज़ उठता है, जहाँ चुनाव जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम ठीक हो जाता है, नहीं तो ईवीएम खराब हो जाता है। देखिए, जो कोर्ट का फैसला था उसको चैलेंज करने के लिए उच्च न्यायालय जाना पड़ा, और उच्च न्यायालय से इस कन्विक्शन को गलत माना गया, तो वहाँ से स्टे लगाया गया। और कभी भी जो सत्य है उसका ही जीत होता है, सत्यमेव जयते होता है। और मुझे खुशी है कि इस जो सत्यमेव जयते का आज हम लोग जिस सदियों से हमारे पूर्वज से ये नारा चलते आ रहा है, आज सच में ये लाइन बोलने में अब फिर से अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीच में लोगों के अंदर निराशा हो गया था, हर चीज़ को शक की नज़र से देखते थे, लेकिन अब हम लोग इस विश्वास के साथ अब कह सकते हैं कि अब कानून का राज चलेगा देश में, बीजेपी का राज नहीं चलेगा। अम्बा जी, एक सवाल है, टिप्पणी बारे में क्या ही टिप्पणी करें, वो तो मतलब कई तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसमें वो हमारे काफ़ी सीनियर है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमें वो संस्कार नहीं दिया गया और हमारे पार्टी का ये संस्कार नहीं है कि सीनियर जो बुज़ुर्ग हैं उनके खिलाफ हम कुछ टिप्पणी करें। लेकिन वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनको आज़ादी हो कुछ भी बोले, लेकिन जो सच्चाई है वो पूरा देश जानता है। और राहुल गांधी ही ऐसे शख्स हैं जो बेबाकी से और बेखौफ होके जनहित के मुद्दे पे संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच का नफरत को ख़त्म कर रहे हैं, लोग देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो देश का हमारा पहचान है, जो कहीं ना कहीं कुछ सालों से मतलब बिखरता हुआ दिख रहा है, टूटा हुआ दिख रहा है, वो देश को फिर से बनाने का काम राहुल जी के द्वारा किया जा रहा है। टफॉन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।